हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। द वेरी फर्स्ट एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें एक डिप्लॉयड यूनिसेलुलर जाइगोट विच इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सिंगेमी कन्वर्ट होगा एक मल्टी सेलुलर मेच्योर एम्ब्रियो में, लेकिन इसके पहले पेक कन्वर्ट हो जाएगी एंडोस्पर्म में, ओवरी कन्वर्ट होगी फ्रूट में, ओव्यूल्स कन्वर्ट होंगे सीड्स में। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स, फर्स्ट वन इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, थर्ड वन इज मैच्यूरेशन ऑफ ओवरी इंटू फ्रूट, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल्स इंटू सीड्स। ये चारों इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद में होते हैं, इसलिए हम इनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन चारों इवेंट्स को हम चार सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि पिक से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये भी मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होगा, फिर इसके बाद जाइगोट जो बना है ये डेवलप होगा मैच्योर एम्ब्रियो में। समझ लीजिए कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है। आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट में चलाजल एंड पे देयर आर थ्री एंटीपोडल्स, देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल सेल, और यहां पे एक फीमेल गैमेट एक्सेल होगी और दो साइनेड्रिक्स होंगे एट माइक्रोपाइलर पोल। सपोज ये पॉलन ट्यूब एंटर करा और दो मेल गैमेट्स रिलीज कर दिया इस सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसमें से एक मेल गैमेट इस एक सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट बना लिया विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज सिंगेमी, और एक मेल गैमेट इस दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, और इस पूरी सेंट्रल सेल को हम लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया पिक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि फाइनली बनाएगी एंडोस्पर्म। सपोज ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है ये न्यूट्रिटिव टिश्यू में कन्वर्ट हो गया, जिसको हमने क्या बोला एंडोस्पर्म, और ये जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, साइनर्जिड्स जो है वो डिजनरेट हो जाएंगी, मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएगा, और जिसकी वजह से एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था जाइगोट, हम लोगों ने क्या बोला था इसको जाइगोट बोला। तो एक बेसिक बात यहां पे हमको ये समझना है कि ये जो जाइगोट है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बन रहा है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर पोल पे, तो जाइगोट भी कहां बनेगा माइक्रोपाइलर पोल पे। ये बहुत बेसिक बात है, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि एग अपैरेटस माइक्रोपाइलर पोल पे है, एक्सेल माइक्रोपाइलर पोल पे है, मतलब फीमेल गैमेट माइक्रोपाइलर पोल पे है, मेल गैमेट के साथ फ्यूजन माइक्रोपाइलर पोल पे हो रहा है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन भी माइक्रोपाइलर पोल पे होगा। और मैंने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर में कि जाइगोट बनते ही डिवाइड करना नहीं शुरू कर देता है, ये बनने के बाद रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा, तब तक के लिए जब तक कि एक प्रॉपर या डेफिनेट अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होगा, एनसीईआरटी भी ये कह रही है कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। बेसिकली दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक अश्योर्ड या इंश्योर करता है कि इसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा, ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो पाए। तो इसलिए नेचर ने पहले एंडोस्पर्म बनाया, ताकि एंडोस्पर्म से प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके जाइगोट को, फिर उसके बाद जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा। मतलब नेचर ने ये अरेंजमेंट रखा कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होगा, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा फूड चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए न्यूट्रिशनल स्ट्रक्चर को पहले नेचर ने बनाया ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट पहले होगा। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, पिक से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जाइगोट से, ये जो जाइगोट है इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा। समझ लीजिए ये जाइगोट है, यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर।
ये यूनिसेलुलर डिप्लॉयड जाइगोट है और ये एक मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो है। तो हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। और इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी। यहां पे आप समझ सकते हैं दो वर्ड है, जेनी और एम्ब्रियो। जेनी मतलब जेनेसिस, किसका? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। द मीन इज दैट कि हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, डेवलपमेंट को बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एनसीईआरटी लिख रही है एम्ब्रियोजेनी, तो इसलिए हम इसको डिफाइन करेंगे एज एम्ब्रियोजेनी। अब सपोज कि प्रॉपर अमाउंट में, डेफिनेट अमाउंट में एंडोस्पर्म बन गया और वहां से अब ये जाइगोट क्या लेना शुरू कर देगा? न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा। इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। अगर इसका साइज एनलार्ज हो गया है तो सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये सेल डिवाइड करेगी। बेसिक बात हमको ये समझना है कि जाइगोट एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया गया, जब एंडोस्पर्म बन गया तो जाइगोट वहां से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, अब फिर ये अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। जाइगोट है कैसा? डिप्लॉयड। कैसा है? डिप्लॉयड। ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? एक नया फ्लावरिंग प्लांट बनेगा, और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्लास 11 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि जो एंजियोस्पर्म है इनकी लाइफ साइकिल की जो डोमिनेंट स्टेट है स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉयड है। तो एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल का जो डोमिनेंट स्टेज है ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है, ये डिप्लॉयड स्टेज है। मतलब कि ये डिप्लॉयड जाइगोट से, जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है, इससे डिप्लॉयड प्लांट बन रहा है, मतलब कि पोलाइडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इसके डिवीजन के थ्रू बन रहा है। तो इसमें डिवीजन कौन सा होगा? डेफिनेटली इक्वेशनल डिवीजन होना चाहिए, यानी कि जाइगोट अब डिवाइड करना शुरू करेगा और डिवीजन कौन सा वाला होगा यहाँ पे? इक्वेशनल डिवीजन, और वी कैन से माइटोसिस। इससे भी ज्यादा जरूरी है आपको ये बात समझना कि यहां पे जो फर्स्ट माइटोसिस होगी ये अनइक्वल माइटोसिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, अनइक्वल माइटोसिस। जाइगोट में जो पहली माइटोसिस होगी ये अनइक्वल होगी। सेल डिवीजन का मतलब दो फेज में कंप्लीट होगा, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इक्वल कैरियोकाइनेसिस होगी लेकिन साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होगी। द मीन इज दैट जो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा अनइक्वल अमाउंट में। जो डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स बनेंगी, एक में ज्यादा अमाउंट होगा साइटोप्लाज्म में इसका, दूसरे सेल में साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा। मतलब कि दो अलग अलग साइज की सेल बनेंगी। तो अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या है? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस विच रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज। दो अनइक्वल साइज की डॉटर सेल्स बनेंगी। एक और इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि अनइक्वल डिवीजन होगा फर्स्ट, और जो फर्स्ट डिवीजन है ये ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट होगा, यानी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि ये जाइगोट है और जाइगोट का ये लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल प्लेन है, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल प्लेन है, और जाइगोट का ये वाला प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल या फिर कह सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन है। तो इस प्लेन के अबाउट जाइगोट डिवाइड करेगा। पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, यानी इस प्लेन के अबाउट डिवीजन होगा। एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये, लेकिन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से एक सेल बड़ी बनेगी, एक सेल छोटी बनेगी। मतलब यहां पे आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि दो सेल्स बन रही हैं, फर्स्ट ये है, ये दूसरी सेल है, लेकिन इन दोनों सेल का साइज आपको दिख रहा होगा कि अनइक्वल है, अलग अलग है। नीचे वाली जो बेसल सेल है ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज है, और जो ऊपर वाली ये सेल है रेड कलर वाली, ये कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज है। तो दो सेल्स बनेंगी अनइक्वल साइज की ऑन ट्रांसवर्स माइटोसिस, अनइक्वल ट्रांसवर्स माइटोसिस।
ये जो बेसल लार्जर सेल है, इस सेल को मैं बोल रहा हूं सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल। और ये जो ऊपर वाली कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज की सेल है, इस सेल को मैं बोल रहा हूं एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनल सेल, इसको मैं बोल रहा हूं एम्ब्रियोनल सेल। तो दो सेल्स बनी ट्रांसवर्स अनइक्वल माइटोसिस के थ्रू, स्मॉलर सेल को मैंने एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियोनिक सेल बोला और बेसल लार्जर सेल को हमने बोला सस्पेंसर सेल। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनल सेल है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, जबकि ये सस्पेंसर सेल कोई डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेगी इन द डेवलपमेंट ऑफ एंडो, इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मैंने आपको ये बताया कि जायगोट में पहली माइटोसिस अनइक्वल होगी, ट्रांसवर्स होगी, तो ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट डिवीजन होगा, लेकिन अनइक्वल डिवीजन होगा, दैट विल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज। बेसल लार्जर सेल को हमने सस्पेंसर सेल बोला, ऊपर वाली स्मॉलर सेल को हमने एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियोनिक सेल बोला। फिर मैंने ये कहा कि एम्ब्रियोनिक या एम्ब्रियोनल सेल कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करेगी, जबकि सस्पेंसर सेल का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। बाद में हम समझेंगे कि ये रूट कैप बनाती है सिर्फ, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि इसका डायरेक्ट रोल नहीं है। तो दो सेल में से सिर्फ एक सेल टेक पार्ट कर रही है कंप्लीट डेवलपमेंट में एम्ब्रियो के। अगर दो की दोनों सेल मिल करके एक कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती, तब हम ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर दो की दोनों सेल टेक पार्ट करती एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो हम डेवलपमेंट को बोलते हैं होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होलो मतलब कंप्लीट। यहां पे दो में से एक सेल टेक पार्ट कर रही है इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस, तो हम इस प्रोसेस को या इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलेंगे मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो यहां पे जो एम्ब्रियोजेनी है, यहां पे जो एम्ब्रियोजेनी है, ये मीरोब्लास्टिक है, मीरोब्लास्टिक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिए कि ये क्या है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट है। मीरोब्लास्टिक का मतलब कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनल या एम्ब्रियोनिक सेल टेक पार्ट कर रही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी में। अब अगला स्टेप डेवलपमेंट का आपको ये समझना है कि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये बनाएगी कंप्लीट एम्ब्रियो, जबकि सस्पेंसर सेल जो है ये कंपैरेटिवली स्लो रेट से या बहुत स्लो रेट से डिवाइड करती है। तो हम लोग इस पे बाद में आएंगे, पहले समझते हैं कि ये सेल का फेट क्या है, ये आगे चल के क्या बनाएगी फर्दर। तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है, इस एम्ब्रियोनल सेल में दो सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन्स होंगे। हमने आपको बताया कि दो डिवीजन होंगे लेकिन वर्टिकल डिवीजन होंगे, यानी इस लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल प्लेन के अबाउट लगातार दो माइटोसिस होगी। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, फिर इसी प्लेन के अबाउट, इसी प्लेन के अबाउट ये सेल डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी, दो सेल्स बनेंगी, वन टू। हमने कहा कि दो वर्टिकल डिविजन्स होंगे लगातार, तो अब इसमें भी एक वर्टिकल प्लेन से डिवीजन और इसमें भी एक वर्टिकल प्लेन से डिवीजन, क्योंकि यहां पे एक बार यहां पे, तो एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल, टोटल कितनी सेल्स बन जाएंगी, फोर, वन टू थ्री फोर। तो ये एक क्वाड्रेंट्स का फॉर्मेशन हो गया, एक क्वाड्रेंट बन गई, चार सेल का एक ग्रुप बन गया जिसको हमने बोला क्वाड्रेंट। फिर इसके बाद दो सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन्स के बाद इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन का मतलब अब एक माइटोसिस होगी इस प्लेन के अबाउट। अगर इस प्लेन के अबाउट होगी माइटोसिस, तो एक सेल से दो सेल बन जाएगी, वन टू, इस तरीके से चारों की चारों सेल में इसी प्लेन के अबाउट डिवीजन होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सेल स्टेज आ जाएगी, यानी कि ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपसे ये कहा कि जाइगोट में अनइक्वल ट्रांसवर्स माइटोसिस हुई, दो अनइक्वल साइज की सेल्स बनी, ये सेल डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, सिर्फ ये वाली सेल टेक पार्ट करेगी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अब इस सेल में लगातार दो वर्टिकल डिविजन्स होने की वजह से चार सेल्स बन जाएंगी, क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट में जो चारों सेल हैं, ये चारों की चारों सेल में
ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट डिवीजन होगा और इस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से इस ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट डिवीजन की वजह से इस क्वाड्रेंट की चारों सेल्स डिवाइड कर जाएंगे, मतलब कि 8 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ऑक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस प्लेन के अबाउट डिवीजन हो रहा है। तो जितनी ये चारों सेल हैं, ये दो रो में अरेंज हो जाएंगी, दो टायर्स में अरेंज हो जाएंगी। द मीन इज दैट ऑल द 8 सेल्स इन ऑक्टेंट आर अरेंज्ड इन टू टायर्स, दो टायर्स में अरेंज हो जाएंगे। दो टायर का मतलब इसके ऊपर ये एक और ये दूसरा टायर। तो ये आठों की आठों सेल, एक ये, इन दो टायर्स में अरेंज हो जाएंगे। इस ऊपर वाले टायर को मैं बोल रहा हूं ईपी बेसल, इसको मैं बोल रहा हूं ईपी बेसल, और इस नीचे वाले टायर को मैं बोल रहा हूं हाइपो बेसल। ईपी मतलब अबव, हाइपो स्टैंड्स फॉर बिलो। अब ये जो ईपी बेसल है, ईपी बेसल सेल्स जो हैं, ये आगे चल के बनाएंगी कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स बनाएंगी, और यही ईपी बेसल सेल्स आगे चल के बनाएंगी ईपी कोटाइल, ईपी कोटाइल से प्लीम्यूल, प्लीम्यूल बनेगा और प्लीम्यूल से सूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, जबकि इस हाइपोबेसल सेल से बनेगा हाइपोकोटाइल और हाइपोकोटाइल से रेडिकल और रेडिकल से रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, बट एक्सेप्ट रूट कैप। तो मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पे बताई हैं, इसको आगे चल के अभी हम और अच्छे तरीके से समझ लेंगे, लेकिन यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए कि ये जो क्वाड्रेंट है इसमें चारों सेल्स जब ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट डिवाइड करेंगी तो जो 8 सेल्स बनेंगी वो दो टायर्स में अरेंज होंगी, ये अबव, ये नीचे वाला। इस ऊपर वाली टायर की सेल्स को मैंने बोला ईपी बेसल सेल्स, ईपी फॉर अबव, और नीचे वाले सेल्स को हमने बोला हाइपो बेसल सेल्स। ईपी बेसल सेल्स जो है आगे चल के कॉटिलेडन्स बनाएंगी, पहली चीज कॉटिलेडन्स बनाएंगी, और यही ईपी बेसल सेल्स जो है ईपी कोटाइल बनाएंगी, ईपी कोटाइल से प्लीम्यूल और प्लीम्यूल से पूरा सूट सिस्टम डेवलप होगा, अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जबकि ये हाइपोबेसल सेल्स जो है ये हाइपोकोटाइल बनाएंगी, हाइपोकोटाइल से रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और रेडिकल फ्यूचर में पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा एक पर्टिकुलर प्लांट का, लेकिन रूट कैप को छोड़ के। बाद में हम समझेंगे कि रूट कैप एक्चुअली इस सेल से बनता है, इस सेल से बनता है। अब इस स्टेज में आते आते ये नीचे वाली सेल जिसको हमने सस्पेंसर सेल बोला था, ये भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। देर में डिवाइड इसलिए कर रही है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरेटिवली बहुत स्लो रेट से डिवाइड करती हैं, तो अब ये भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन अभी मैं वापस इस पर दोबारा आऊंगा, इसके पहले आप ये समझिए कि ये जो दोनों टायर हैं, ये जो दोनों टायर की सेल्स हैं ऑक्टेंट्स में, अब ये डिवाइड करेंगी पेरिक्लाइनली। इसमें डिवीजन होगा कौन सा वाला, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसमें होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पेरिक्लाइनल मतलब डिवीजन होगा पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जो डिवीजन हो रहा है सेल्स के, इसको हम लोग बोलेंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन, जबकि अगर परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस होता है तो उसको हम लोग एंटीक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन जब भी होता है तो लेयर्स का नंबर इंक्रीज होता है, तो जब ये ऑक्टेंट्स की जो सेल्स हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगी तो एक प्रोटेक्टिव आउटर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होगा, और इस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को, इस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर को मैं बोल रहा हूं प्रोटोडर्म, इसको मैं बोल रहा हूं प्रोटोडर्म, या फिर इसी को हम लोग डर्मेटोजेन बोलते हैं, आपको एक नाम याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोडर्म। और बीच में यहां पे इस प्रोटोडर्म के थ्रू या डर्मेटोजेन के थ्रू एक अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास
ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और ये सेल्स कौन सी होंगी? एम्ब्रियोनल सेल। तो ऑक्टेंट्स में जो इपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स थी, ये डिवाइड करके ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, वो तो हम बाद में अभी समझ रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा कि ये सारी की सारी सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रिमिटिव प्रोटेक्टिव लेयर को हमने प्रोटोडर्म या डर्मेटोजन बोला, और ये सराउंड करेगी एक अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनल सेल के मास को, जो कि यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि कवर्ड है विद द हेल्प ऑफ, प्रोटेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन। इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। फिर मैंने आपसे ये बताया कि अब आते आते ये जो सस्पेंसर सेल है ये भी डिवाइड करना शुरू कर देगी। तो ये जो सस्पेंसर सेल है, दो बातें याद रखनी है इसमें। सस्पेंसर सेल में लगातार कॉन्टिन्यूअस कई बार डिवीजन होगा, लेकिन ये जो डिवीजन है ये ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट होगा। तो यहाँ पे कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे किसमें? सस्पेंसर सेल में। और इस ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से 6 to 10 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। दो बातें मैंने आपसे करी सस्पेंसर सेल के लिए, कि सस्पेंसर सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे कई बार, जिसकी वजह से 6 से लेकर के 10 सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही हैं, तो आप ऐसे समझिए कि ये ट्रांसवर्स प्लेन के अबाउट बार बार डिवीजन होगा, तो जो 6 से लेकर के 10 सेल्स बनेंगी वो इस तरीके से एक लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको, कि जो ये वाली सस्पेंसर सेल थी, इसमें बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से एक लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं सस्पेंसर, इस लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को, हम बोल रहे हैं सस्पेंसर। और जो सस्पेंसर है इसमें 6 से लेकर के 10 सेल्स हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 6 to 10 सेल्स हो सकते हैं इस सस्पेंसर में। और ये जो बेसल टर्मिनल सेल है, सस्पेंसर की, इस सेल को, या फिर ऐसे समझ सकते हैं आपकी इस सेल को हम लोग बोलेंगे हॉस्टोरियम, या फिर हॉस्टल सेल बोल सकते हैं इसको। और ये जो ऊपर वाली सेल है, ये वाली सेल इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोफाइजियल सेल, या फिर सिंपली इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोफाइसिस, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हमने बोला कि ये जो सस्पेंसर सेल है इसमें कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगे, जिसकी वजह से 6 से 10 सेल्स बनेंगी, लेकिन ये सारी की सारी सेल्स इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगी और कुछ इस तरीके का अपीयरेंस दिखाई देगा आपको। और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? सस्पेंसर बोलेंगे। और इस सस्पेंसर की ये जो लास्ट वाली सेल है, कंपैरेटिवली लार्जर साइज की है, इसको हम लोग हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम बोलेंगे, जबकि ये पहली वाली जो सेल है इसको हम लोग हाइपोफाइजियल या फिर हाइपोफाइसिस बोलेंगे। तो ये पूरा हो गया सस्पेंसर, और सस्पेंसर की फर्स्ट सेल यहाँ पे जो है, जो कि इस एम्ब्रियो के नियरेस्ट पॉइंट पे है, एम्ब्रियो के पास है, इसको हम हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं, जबकि ये जो टर्मिनल है, जो दूर है, जो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं हॉस्टोरियल सेल या फिर हॉस्टोरियम बोलेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर डिवाइड हो रहा है लगातार, लेकिन ये बहुत स्लो रेट से डिवाइड हो रहा है, तो कोई यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेबल चेंज बहुत खास दिखाई नहीं देगा ब्लैक वाले पोर्शन में, जबकि ये रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोनल सेल का मास है, ये खूब तेजी से डिवाइड करता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता चला जाएगा। तो अगले स्टेज में आप देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, जो कि स्फेरिकल या ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपीयर होगा, यानी कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर या ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में दो पॉइंट या दो रीजन आप देख सकते हैं। ये किनारे वाला जो ब्लू कलर की बाउंड्री है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? ये प्रोटोडर्म है। एक बात यहीं पे आप समझ लीजिए कि ये जो प्रोटोडर्म है आगे चल के एपिडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, एपिडर्मल, मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा, जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होंगी, एपिडर्मल टिश्यू। जबकि ये जो
सेल का मास है, इस सेल के मास को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल सेल। ये डिवाइड होती रहेंगी, ये आगे चल के पूरा का पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी, यानी कि ग्राउंड टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। तो दो रीजन है, ये प्रोटोडर्म जो है आगे चल के मोस्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू या प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ये बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एम्ब्रियोनल सेल है ये आगे चल के कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल मास में डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो ये वाला रीजन है या ये वाला जो रीजन है, ये तेजी से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ये डिवाइड करना शुरू करेंगे। और ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ज्यादा तेज डिवाइड होने की वजह से ये एक हार्ड शेप स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी हार्ड शेप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे दो काम हुआ, दो क्या, एक समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोबुलर शेप था और ज्यादा डिवाइड हुआ, इसका साइज एनलार्ज हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आया कि इसका शेप चेंज हो गया, कि ये ग्लोबुलर से हार्ड शेप में कन्वर्ट हो गया, ग्लोबुलर से हार्ड शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये हार्ड शेप एम्ब्रियो हो गया, इसके नीचे ये हाइपोफाइजल सेल हो गया, सस्पेंसर हो गया, और यहाँ पे हॉस्टल सेल हो गया। तो ये है सस्पेंसर, और इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं हाइपोफाइजियल सेल, और इस सेल को हम लोग बोल रहे हैं हॉस्टोरियल सेल। जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं, हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर, हॉस्टोरियल। ये जो हॉस्टोरियल सेल है, ये जो नीचे वाली लार्जर हॉस्टोरियल सेल्स हैं, ये हॉस्टोरियम की तरह एक्ट करती हैं, मतलब कि ये अपने सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, शक करती रहती हैं, और जो भी फूड अपने सराउंडिंग से ये एब्जॉर्ब करेंगी उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगी अप टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये भी एक मैकेनिज्म है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो का, कि हॉस्टोरियल सेल जो बन रही हैं, जो हॉस्टोरियम है ये अपने सराउंडिंग में जो प्रेजेंट फूड है, इसको न्यूट्रिशन है जो, इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब या शक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा इस डेवलपिंग एम्ब्रियो तक। सस्पेंसर का काम क्या है, सस्पेंसर इस ग्लोबुलर या हार्ड शेप या फिर ये जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो को कनेक्ट करेगा इस हॉस्टोरियम से। दूसरी चीज, ये जो सस्पेंसर है ये इस पूरे एम्ब्रियो को पुश करेगा ऊपर की तरफ, पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर चलाजल एंड होगा कहीं पे। यहाँ पे अभी हमने आपको समझाया था नीचे माइक्रोपाइलर और ऊपर चलाजल पोल, और आपको पता है कि एंडोस्पर्म चलाजल पोल के साइड में है, जो कि जो जायगोट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, माइक्रोपाइलर पोल पे। तो ये माइक्रोपाइलर एंड या पोल पे प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर ये सस्पेंसर है। अब यहाँ के सेल डिवाइड करेंगे तो ये तो नीचे जाएगा नहीं, इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो सस्पेंसर जो है इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को ढकेलता रहता है किधर, एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि वहां से ये प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाए। तो ये न्यूट्रिशन को सराउंडिंग से सक करके इसको देगा ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। सस्पेंसर ठेलता रहेगा या ढकेलता रहेगा एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ ताकि ये प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाए डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो हाइपोफाइसिस है, इसका फंक्शन आप समझ लीजिए कि ये हाइपोफाइसिस कई बार रूट कैप भी बनाती है। ये हॉस्टोरियल सेल सक करेगी फूड को, इसको दे देगी, सस्पेंसर इसको पुश करेगा एंडोस्पर्म की तरफ, और ये हॉस्टोरियल सेल जो है, सॉरी हाइपोफाइजियल या हाइपोफाइसिस जो है, हमने आपको बताया ये रूट कैप का फॉर्मेशन करेगी, मतलब रूट कैप जो हो गया ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल नेचर का हो गया। अब ये हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें दोबारा से इस रीजन की और इस रीजन की जो सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगी, यानी कि इस रीजन का खूब तेजी से क्या होने लगेगा, एक्सपेंशन, यानी कि ये एक्सपेंड करेगा और ये वाला पार्ट एक्सपेंड करेगा। तो ये वाला एक्सपेंशन होगा और ये वाला एक्सपेंशन भी होगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ इस तरीके का अपीयरेंस आपको दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हार्ड शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे था, इस तरीके से हार्ड शेप स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे और यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो एक ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन गया और ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख पाए तो एक इससे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और एक इससे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी यहाँ पे अब कुछ ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। तो लेटर या जो बाद के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगी। एम्ब्रियोजेनेसिस में अब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में सेल डिवीजन
ज़्यादा प्रिफर किया गया, सेल डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करी गई। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, सेप कन्वर्ट होना शुरू हो गया ग्लोबुलर से हार्ट सेप। अब जाकर के ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, कुछ ऑर्गन्स बनने लगेंगे, जैसे कि हम लोगों में कुछ ऑर्गन्स बनने लगते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसी तरीके से इस प्लांट के एम्ब्रियो के फर्दर डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोजेनेसिस में ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम ऑर्गन बनता है, जो सबसे पहला ऑर्गन बनता है, मैंने आपको बताया कि इसके और इसके एक्सपेंशन से ये दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो दोनों फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन दोनों फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स को मैं बोल रहा हूँ कॉटिलेडंस। तो टोटल कॉटिलेडंस कितने बने यहाँ पे? दो कॉटिलेडंस बने। और अगर आप ये यहाँ पे देखें कि ये जो सस्पेंसर है, इस सस्पेंसर के एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसके डायरेक्शन में ये वाला जो एक्सिस बन रही है, तो सस्पेंसर के डायरेक्शन में ये वाली जो एक्सिस बन रही है एम्ब्रियो में, इस एक्सिस को मैं बोल रहा हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं टाइजेलम। तो मैंने आपको ये बताया कि एम्ब्रियो में ये जो एक्सिस बन रही है इसके डायरेक्शन में सस्पेंसर के, तो इस वाले पार्ट को हमने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हमने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एम्ब्रियोनल एक्सिस में आप एक पॉइंट ये देखिए कि एक कॉटिलेडन ये है ये वाला, और एक कॉटिलेडन ये है, तो दो कॉटिलेडन्स बन रहे हैं। और ये कॉटिलेडन अराइज कहां से हो रहा है? यहां से, इस पॉइंट से। तो ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन या ओरिजिन पॉइंट हो गया इसका, कॉटिलेडन का, ये हो गया कॉटिलेडन का ओरिजिन पॉइंट। तो इसको मैंने बोला लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको मैंने बोला लेवल ऑफ कॉटिलेडन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से ये कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से कॉटिलेडन अराइज हो रहा है, तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया कॉटिलेडन का, इसलिए हमने इसको बोल दिया लेवल ऑफ कॉटिलेडन। और ये जो ब्लू वाली एक्सिस है इसको हमने बोला एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम। तो ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल। मैंने आपसे ये बताया कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये है लेवल ऑफ कॉटिलेडन, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन विल बी डिफाइंड एज एपिकोटाइल, इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल। एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। यहां पे मैंने लिखा था एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। तो ये एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाली टायर वाली सेल्स हैं, यहां पे आप देख सकते हैं, अगर यहां पे दो टायर यहां से डिफरेंशिएट करें, आप यहां पे दो टायर बनाएं, तो ये ऊपर वाली टायर की सेल्स हो गई, ये वाली जिसको हमने एपिबेसल बोला था, ये नीचे वाली हो गई जिसको हमने हाइपोबेसल बोला था। मैंने आपको बताया था कि एपिबेसल जो सेल्स हैं ये आगे चल के क्या बनाएंगी? कॉटिलेडंस, कॉटिलेडंस बनाएंगी, और ये आगे चल के क्या बनाएंगी? एपिकोटाइल। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम इसको लेवल ऑफ कॉटिलेडन मान रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे ये वाली एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो एपिक बेसल थी, इसके ऊपर एपिबेसल सेल्स होंगी, ये कॉटिलेडन्स बना रही थी, तो इसके ऊपर ये कॉटिलेडन्स आपको दिख रहा है, एक ये कॉटिलेडन, एक ये वाला कॉटिलेडन और एक ये वाला कॉटिलेडन, और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है इस एपिबेसल सेल से? एपिकोटाइल। तो आप देख सकते हैं कि द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एपिकोटाइल, जबकि जो हाइपोबेसल सेल्स थी ये बनाती थी हाइपोकोटाइल,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हाइपो बेसल सेल्स होंगी ये क्या बनाएंगी, हाइपोकोटाइल। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये एक्सिस हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो लेवल ऑफ कोटिलेडन के ऊपर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो लेवल ऑफ कोटिलेडन के नीचे प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का ये जो टिप है, ये जो टिप है इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। और रेडिकल से फ्यूचर में पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनेगा एक्सेप्ट रूट कैप, इससे रूट कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये जो टिप है ये हो गया एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल का ये जो टिप है इस टिप को मैं बोल रहा हूं प्लीम्यूल, इस टिप को मैं बोल रहा हूं प्लीम्यूल। तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज एपिकोटाइल एंड टिप ऑफ एपिकोटाइल विल बी प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से डेवलप होगा पूरा का पूरा सूट सिस्टम, पूरा का पूरा सूट सिस्टम। एंड द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस और ट्राइजलम विच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन विल बी डिफाइंड एज हाइपोकोटाइल एंड द टिप ऑफ हाइपोकोटाइल इज टर्म्ड एज रेडिकल एंड रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम एक्सेप्ट रूट कैप, ये रूट कैप के अलावा पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनाएगा। तो ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और ये लेवल ऑफ कोटिलेडन है, लेवल ऑफ कोटिलेडन के ऊपर ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, टिप ऑफ एपिकोटाइल को बोलेंगे प्लीम्यूल, इससे बनेगा पूरा का पूरा सूट सिस्टम जो कि अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है प्लांट का जो हमको देखने को मिलता है। और ये हो गया लेवल ऑफ कोटिलेडन एंड द एक्सिस एट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, ये लेवल ऑफ कोटिलेडन के नीचे जो प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के टिप को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, रेडिकल से बनेगा पूरा का पूरा रूट सिस्टम, लेकिन केवल और केवल किसको छोड़ करके, रूट कैप को छोड़ करके। रूट कैप अभी किसी दूसरे स्ट्रक्चर से बन रहा है उसको हम लोग समझ लेंगे। अब धीरे 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 जब ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने कितनी चीजें देखी, तीन, एक ये कोटिलेडन और प्लीम्यूल और रेडिकल, ये तीन ऑर्गन्स बन रहे हैं शुरुआत में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले बनेगा कोटिलेडन, फिर उसके बाद बनेगा रेडिकल, फिर बनेगा प्लीम्यूल। तो जब इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बना ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस में, जब ऑर्गन्स बनने लगे तो तीन ऑर्गन्स बने, तीन ऑर्गन्स बने, ये दो फ्लैप बैग स्ट्रक्चर्स कोटिलेडन्स, और ये प्लीम्यूल जिससे सूट सिस्टम बनेगा, और ये रेडिकल जिससे रूट सिस्टम बनेगा। तो कोटिलेडन बना, प्लीम्यूल बना, रेडिकल बना, तीन ऑर्गन्स बने ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस। कौन कौन से, कोटिलेडन, रेडिकल और प्लीम्यूल। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, सबसे पहले जब ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है, तो जो सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गन है वो कोटिलेडन बनता है, कोटिलेडन बनता है। इसका रीजन आप समझिए, ये कहां पे हो रहा है, सीड के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द मैचुरेशन ऑफ सीड, और सीड तो प्लांट से डिटैच हो जाएगा, सीड प्लांट से डिटैच हो जाएगा। तो अब ये जब प्लांट से डिटैच हो गया तो इसको कहीं दूसरे सोर्स से फूड तो मिल नहीं रहा है, दूसरे सोर्स से अगर ये प्लांट से अटैच होता तो वहां से वास्कुलर टिश्यूज को फूड प्रोवाइड करती, लेकिन चूंकि ये सीड जो है ये प्लांट से अलग हो गया है तो इसको किसी दूसरे सोर्स से, प्लांट से इसको डायरेक्ट फूड मिल नहीं रहा है, इसे डायरेक्ट फूड तो नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर डेवलपमेंट के लिए भगवान ने क्या रख दिया है, एंडोस्पर्म, कि भाई एम्ब्रियो तुम डेवलप जब हो गए, जब तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो तुम्हें जब न्यूट्रिशन या एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो एंडोस्पर्म से ले लेना, एंडोस्पर्म से ले लेना। तो सीड में नेचर ने एंडोस्पर्म रख दिया ताकि जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट के टाइम पे जब उसको एनर्जी की जरूरत पड़े तो न्यूट्रिशन ले सके, किससे, एंडोस्पर्म से। लेकिन हमने आपको बताया था इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एंडोस्पर्म है ये कंज्यूम्ड हो जाता है कंप्लीटली फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ये डेवलपमेंट के टाइम पे इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। अभी भी सीड के अंदर तो एम्ब्रियो है, अगर इसका सोर्स, फूड का सोर्स खत्म हो गया, एंडोस्पर्म खत्म हो गया, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए,
मतलब अब ये सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट नहीं बना पाएगा। इसलिए नेचर ने क्या बोला, क्या कहा कि एक और सोर्स तुम्हारे पास फूड का होगा, जब एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा तो वहां से फूड ले सकते हो फॉर योर सर्वाइवल। तो ये स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉटिलेडन। आप लोग इसको देख सकते हो, कोई भी सीड आपको मिले, चना हो गया, मटर हो गया, कुछ भी, उसके छिलके को हटाओगे, जब सीड कोट को हटाओगे तो उसमें दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग दाल बोलते हैं उसी को बोलते हैं कॉटिलेडन। जिन सीड में दो होती हैं वो डाइकॉट के सीड्स होते हैं, अभी समझ में आ जाएगा वो। तो ये जो कॉटिलेडन है ये श्वाइलेन कॉटिलेडन है ना, दाल आप देखते हो उसमें फूड का सोर्स है ना, जिससे दाल में क्या है, प्रोटीन्स है, हम लोग खाते हैं तो हमें न्यूट्रिशन या एनर्जी मिलती है उससे। तो इसी तरीके से जो उसमें एम्ब्रियो है सीड में, इस कॉटिलेडन में प्रेजेंट या स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करता रहता है सर्वाइव करने के लिए, बहुत स्लो रेट से करता है, इसकी बहुत स्लो रेट से मेटाबॉलिज्म होती है डॉर्मेंट स्टेज में, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो कॉटिलेडन सबसे पहले नेचर ने इसलिए बनाया ताकि जो एम्ब्रियो है ये खराब ना हो जाए, क्योंकि एम्ब्रियो पहले फूड ले रहा था, न्यूट्रिशन ले रहा था एंडोस्पर्म से। अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, तो जो मैच्योर सीड में एम्ब्रियो है, जो मैच्योर सीड में एम्ब्रियो है जहां पे एंडोस्पर्म खत्म हो गया है पूरी तरीके से, उसमें एम्ब्रियो कॉटिलेडन से फूड लेना या न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, कॉटिलेडन बनना चाहिए। सबसे पहले क्या बनना चाहिए, कॉटिलेडन बनना चाहिए। फिर इसके बाद हमने आपको बताया क्या बनेगा, रेडिकल। रेडिकल से बनेगा रूट। तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल अराइज होगी, उससे क्या बनेगा, पूरा का पूरा रूट सिस्टम। और ये रूट जो है ये वाटर या न्यूट्रिशन लेने लगेगी, अब कहां से, सॉयल से। सॉयल में क्या है, रिजर्व्ड न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉयल में। तो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे रेडिकल से जो रूट बन रहा है वो वाटर न्यूट्रिएंट सॉयल से लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद क्या बनेगा, प्लीम्यूल बनेगा। प्लीम्यूल से शूट सिस्टम यानी कि लीव्स वगैरह बनना शुरू होंगी, और जैसे ही लीव बनना शुरू हुई सनलाइट की प्रेजेंस में, प्लांट अब खुद अपना फूड बनाना शुरू कर देगा। तो इसको स्टोर्ड फूड से मतलब ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट अपना फूड बनाने लगेगा। तब अब अगर फूड खत्म भी हो जाता है, कॉटिलेडन खत्म भी हो जाता है, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके सर्वाइवल पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, ताकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके, एम्ब्रियो सर्वाइव कर सके। मैच्योरेशन ऑफ सीड के टाइम पे, मैच्योर सीड में पूरा का पूरा एंडोस्पर्म अगर कंज्यूम हो जाएगा तो कॉटिलेडन बन जाएगा। सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सी होगी, कॉटिलेडन। अभी तक ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, ये एम्ब्रियो था जो वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले रहा था, अब नेचर ने क्या बना दिया, कॉटिलेडन, कि अगर एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो कॉटिलेडन से न्यूट्रिशन लेना है एम्ब्रियो तुम। फिर उसके बाद कॉटिलेडन के बाद रेडिकल बन गए, रूट सिस्टम बन गया, न्यूट्रिएंट और वाटर सॉइल से लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद प्लीम्यूल बन गया, उससे रूट सूट सिस्टम, प्लीम्यूल से सूट सिस्टम बनने लगा, लीव्स वगैरह बनने लगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अब प्लांट अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करने लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या बनना चाहिए, एंडोस्पर्म बनना चाहिए। फिर इसके बाद जब जायगोटिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, उसमें जब एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस हो, जब ऑर्गन्स बनने लगे, तो सबसे पहले क्या बनना चाहिए, कॉटिलेडन बनना चाहिए। फिर क्या बनना चाहिए, रेडिकल बनना चाहिए। फिर क्या बनना चाहिए, प्लीम्यूल बनना चाहिए। तो आप इसको कैसे समराइज या मेमोराइज कर सकते हो, यहाँ पे आप CRPF लिख सकते हो, या आप लोग इस काम से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे CRPF। तो C मतलब कॉटिलेडन, R मतलब रेडिकल, P मतलब प्लीम्यूल, F मतलब कुछ नहीं। तो सबसे पहले कॉटिलेडन बनेगा, फिर रेडिकल बनेगा, फिर प्लीम्यूल बनेगा। अब जब मैच्योरेशन या कह सकते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑर्गन्स बन जाएंगे, कॉटिलेडन्स बन गए, प्लीम्यूल बन गया उससे पूरा सूट सिस्टम बनेगा, रेडिकल बन गया उससे पूरा रूट सिस्टम बनेगा, एक्सेप्ट रूट कैप। तो बाकी के जो स्ट्रक्चर सब उनका काम खत्म हो जाएगा। सस्पेंसर जो इसको ढकेल रहा था एंडोस्पर्म की तरफ ताकि फूड ले सके, अब इसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये सस्पेंसर जो है ये डीजनरेट हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा। हॉस्टल सेल फूड को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके इसको दे रही थी ताकि प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अगर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तो हॉस्टल सेल का भी काम खत्म हो गया, हॉस्टोरियम का काम खत्म हो गया, ये भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ये जो हाइपोफाइजियल सेल है या हाइपोफाइसिस है, जो आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख रहे हैं ये वाला, ये क्या है, हाइपोफाइसिस। अब ये आगे चल के बनाएगी रूट कैप, ये आगे चल के बनाएगी रूट कैप, क्योंकि रेडिकल से पूरा का पूरा रूट सिस्टम तो बन रहा है लेकिन रेडिकल से रूट कैप नहीं बन रही थी। तो रूट कैप कौन बनाएगा, ये हाइपोफाइजियल सेल। और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अपीयर होने लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि
और एक ये दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, 1 2, तो यहां पे भी दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है 1 2, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉटिलेडंस। टोटल कितने हैं, दो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डाई कॉटिलेडंस। तो अगर आप कहीं पे सीड देख रहे हैं, उसके जब सीड कोट को हटा रहे हैं, उसमें दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हैं, दो कॉटिलेडंस हैं, मतलब क्या है, डाई कॉटिलेडनस कंडीशन है। तो ये सीड को हम लोग, ऐसे सीड को क्या बोलेंगे, डाई कॉटिलेडनस सीड। और जिस प्लांट का है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई कॉट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई कॉट। तो एंजियोस्पर्म की एक कैटेगरी ये हो गई जिसके सीड में दो कॉटिलेडनस होते हैं, यानी डाई कॉटिलेडनस प्लांट, डाई कॉट्स। तो ये दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गए जिसको हमने क्या बोला, कॉटिलेडनस बोला। और अगर ये आप देख रहे हैं तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा आपको एक्सियल पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइजेलम। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉटिलेडन बन रहा है उसका ये ओरिजिन पॉइंट है, इसके ऊपर वाला ये पार्ट जो है, यहां से कॉटिलेडन अराइज हो रहा है, यहां से ये कॉटिलेडन जो है ये अराइज हो रहा है। तो ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये लेवल ऑफ कॉटिलेडन हो गया। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इपिकोटाइल। और इपिकोटाइल के टिप को, ये जो इपिकोटाइल का टिप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल। और प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट सिस्टम। प्लीम्यूल से क्या बनेगा, सूट सिस्टम। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेडिकल। और ये जो टिप ऑफ रेडिकल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, ये जो लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल। तो ये हो गया कॉटिलेडन, और ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन, और ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एपिकोटाइल, और टिप ऑफ एपिकोटाइल को प्लीम्यूल, ये सूट सिस्टम बना लेगा। और लेवल ऑफ कॉटिलेडन के नीचे एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, जो कि रूट सिस्टम बनाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली हाइपोफाइजल सेल का ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रक्चर है, पार्ट है। इसको हम लोग बोलेंगे रूट कैप, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे कैलिप्ट्रा, जो कि रूट कैप को, रूट कैप का काम क्या होता है, रूट टिप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वहां पर सेंसिटिव मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी और वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, तो डैमेज ना हो इस बात से उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होगी, रूट कैप, जो कि कहां से बन रही है, हाइपोफाइजियल सेल से। और हाइपोफाइजियल सेल कहां से बन रही है, सस्पेंसर सेल से। तो सस्पेंसर सेल का एम्ब्रियो में सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन है, कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। मतलब कि रूट कैप क्या हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल इन ओरिजिन हो गया, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल से पूरा का पूरा ये रिड वाला पार्ट बन रहा है, जो कि एक मैच्योर क्या है, एम्ब्रियो है। और जो नीचे ब्लू वाला पार्ट है, ये कहां से बन रहा है, हाइपोफाइजियल सेल से। और ये हाइपोफाइजियल सेल कहां से बन रही है, सस्पेंसर सेल से। तो सस्पेंसर सेल की जो हाइपोफाइजियल सेल है वो बनाएगी रूट कैप। तो पूरा का पूरा रूट सिस्टम बनेगा कहां से, रेडिकल से। और रूट कैप बनेगी कहां से, हाइपोफाइजियल सेल से या फिर हाइपोफाइसिस से। तो एक बार लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये लेवल ऑफ कॉटिलेडन, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज एपिकोटाइल, एंड टिप ऑफ एपिकोटाइल इज प्लीम्यूल, दिस विल डेवलप इनटू द सूट सिस्टम, एंड द लेवल ऑफ एट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को बोलेंगे रेडिकल। रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम, लेकिन रूट कैप नहीं बनाएगा, रूट कैप बनेगी हाइपोफाइजियल सेल से। तो हाइपोफाइजियल सेल जो है, ये हाइपोफाइजियल सेल जो है, ये बनाएगी रूट कैप, हाइपोफाइजियल सेल बनाएगी रूट कैप।
अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। इसको हम लोग बोलेंगे मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। तो हम लोग यहाँ पे जो एम्ब्रियो जेनी पढ़ रहे हैं, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं फ्रॉम द जाइगोट, ये डाइकॉट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। यानी ये जो एम्ब्रियो बना है हमारे सामने मैच्योर एम्ब्रियो, ये डाइकॉट प्लांट का है। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इन द एम्ब्रियोजेनी वी हैव टेकन डाइकॉट अंडर कंसिडरेशन। डाइकॉट के रेफरेंस में हम लोग समझ रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होता है। इनिशियल स्टेजेस की अगर हम बात करें तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में कुछ एक जैसी प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनी और एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इनिशियल स्टेजेस, बाद में ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये स्पेसिफिकली या एक्सक्लूसिवली हम कह सकते हैं डाइकॉट का होगा, लेकिन इनिशियली जाइगोट ऐसे ही डिवाइड करेगा। मोनोकॉट में भी ये स्ट्रक्चर भी आएगा, यानी कि टू सेल स्टेज भी आएगी, लेकिन यहां पे फर्दर जो डिवीजन है, यहां पे अगर डाइकॉट में हम देखें तो इस एम्ब्रियोनल सेल में दो सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन हो रहे हैं, जबकि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही डिवीजन होगा। मोनोकॉट में फोर सेल स्टेज ना आकर के सिर्फ दो ही सेल स्टेज आपको दिखाई देगी, यानी एक ही वर्टिकल डिवीजन होगा मोनोकॉट में, जबकि यहाँ पे दो सक्सेसिव वर्टिकल डिवीजन हो रहे थे जिसमें से क्वाड्रेंट बन रहे थे, वहां पे सिर्फ डायाड बनेगा, दो सेल बनेगा। एक डिफरेंस ये है कि जो हॉस्टल सेल है, नीचे वाली जो हॉस्टल सेल है मोनोकॉट में, इसको हम लोग वेसिकुलर सेल बोलते हैं। फिर फर्दर जो डेवलपमेंट है वो मोनोकॉट में बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोगों ने स्पेसिफिकली जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा है विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट प्लांट, और ये जो मैच्योर एम्ब्रियो बना है ये डाइकॉटिलेडनस प्लांट का है, क्योंकि एक कॉटिलेडन ये और एक कॉटिलेडन ये, तो दो कॉटिलेडन्स हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलेडनस सीड या डाइकॉट का ये क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तो समझ में आ गया आपको, अगर एक कॉटिलेडन होता तो ये मोनोकॉट का होता, वो बाद में हम समझेंगे कि सिर्फ यहाँ पे एक वर्टिकल डिवीजन होगा जिसकी वजह से एक ही कॉटिलेडन का फॉर्मेशन हो पाएगा, और एक कॉटिलेडन होगा तो उसको हम मोनोकॉटिलेडनस या मोनोकॉटिलेडनस सीड बोलेंगे। तो ये एम्ब्रियो डाइकॉट एम्ब्रियो है क्योंकि इसमें क्या है, दो कॉटिलेडन्स हैं। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको याद करना है कि कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू, डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू क्या बनता है, एक कंप्लीट मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो। इन डिफरेंट स्टेजेस को हम लोग सिंपली बोलेंगे क्या, आप देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम लोग टू सेल स्टेज बोल सकते हैं, इसमें चार सेल है तो इसको हम लोग फोर सेल स्टेज बोल सकते हैं, इसको एट सेल स्टेज बोल सकते हैं, और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये शुरुआत के एम्ब्रियो हैं, इसलिए हम इन सबको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, टू सेल प्रो एम्ब्रियो, फोर सेल प्रो एम्ब्रियो, एट सेल प्रो एम्ब्रियो। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें दो सेल्स हैं तो टू सेल स्टेज होगी, चार सेल्स हैं तो फोर सेल स्टेज होगी, आठ सेल हैं तो एट सेल स्टेज होगी, लेकिन इन तीनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जो अर्ली स्टेज में जो हमको डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर से ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहे हैं, इन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। प्रो मतलब पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल या ग्लोब्यूल के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को या इन एम्ब्रियो को बोलेंगे ग्लोब्यूलर, इनको हम लोग बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। यहाँ पे हार्ट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और इस स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग बोलेंगे टारपीडो शेप्ड एम्ब्रियो। और ये क्या है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो है, ये एक मैच्योर एम्ब्रियो है। तो टू सेल्ड, फोर सेल्ड, एट सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, ये ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो है, ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो है, और ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है, ये टारपीडो शेप्ड, और ये क्या है, मैच्योर एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, टारपीडो, मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो।
इतनी ज्यादा। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई कि एक जाइगोट जो बन रहा है एज द रिजल्ट ऑफ सिंग गैमी, इसमें बार 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 रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स होंगे जिसकी वजह से 2, 4, 8, 16, 32 सेल डिस्टेसिस आती चली जाएंगी और इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेसिस के थ्रू एक यूनिसेलुलर डिप्लॉयड जाइगोट फाइनली एक मल्टी सेलुलर मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। और इस डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम अ डिप्लॉयड यूनिसेलुलर जाइगोट, हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइगोट में डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, 2, 4, 8 सेल स्टेसिस आएंगी, इनको हम लोग बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में ऑलमोस्ट 16 to 32 सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो इस 16 to 32 सेल डिस्टेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ट शेप एम्ब्रियो। फिर इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स बनने लगेंगे और हमने आपको बताया कि सबसे पहले कॉटिलेडन्स बनेंगे, फिर रेडिकल बनेंगे, फिर प्लेम्यूल बनेंगे। और जब इसमें ऑर्गन्स बन जाएंगे तो जो एम्ब्रियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे टारपीडो सेव्ड एम्ब्रियो, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और फिर उसके बाद ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, डिजर्रेट हो जाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर आ गया या आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैच्योर एम्ब्रियो या मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो, क्योंकि इसमें दो कॉटिलेडन्स है। इस बात को थोड़ा सा फील करो। हमने आपको बताया था फ्लावर का स्ट्रक्चर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और पॉलन ग्रेन्स का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर बोला जाएगा पॉलिनेशन, कंपैटिबल पॉलिनेशन में। अगर यहाँ पे कंपैटिबल पॉलन आया तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल में जो कि दो मेल गैमेट्स को कैरी कर रही होगी। इस ओव्यूल को मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ थोड़ा सा। सपोज ये है पॉलन ट्यूब जो कि एंटर कर रहा है ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, तो आपको पता है कि ये दो मेल गैमेट्स रिलीज करेगा, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ यूज करेगा, एक मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूज करेंगे, पेन का फॉर्मेशन होगा और इस सेंट्रल सेल को हम पेक बोलेंगे जो कि फाइनली क्या बना लेगी? एंडोस्पर्म बना लेगी। सपोज ये क्या बन गया? एंडोस्पर्म। ये क्या बन गया? एंडोस्पर्म। फिर ये साइनर्जिड्स लाइक एंटीपोडल्स डिजनरेट हो जाएंगी और एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। ये बन गया जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड पे। अब जब ये एंडोस्पर्म प्रॉपर डेवलप हो जाएगा तो इस जाइगोट में ये माइटोटिक डिविजन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा फील करो। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है यहां पे प्रेजेंट है ओव्यूल के अंदर, इसमें जब ये जाइगोट है जो ये डेवलप होता रहेगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा और फाइनली जो एम्ब्रियो है इन स्टेजेस के थ्रू टारपीडो शेप में अपीयर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है सस्पेंसर और हॉस्टोरियम ये भी क्या हो जाएगा? डिजर्रेट हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग रिलेट कर सकते हैं ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से, नॉट टेक्निकली, रफली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमको ये अच्छे तरीके से याद रहे। जैसे कि ह्यूमन फीमेल में मदर के यूट्रस के अंदर ह्यूमन बेबी डेवलप हो रहा हो, कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये जो ओव्यूल है, ये जो ब्लैक कलर वाला स्ट्रक्चर है जिसको मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल। और ये क्या है? एम्ब्रियो। ये है एम्ब्रियो। तो इस ओव्यूल को आप लोग मान लीजिए फीमेल का यूटरस, ह्यूमन फीमेल का यूटरस। और ये जो रेड वाला स्ट्रक्चर है जो यहाँ का एम्ब्रियो है, ये ह्यूमन एम्ब्रियो या फाइनली इसको मान लीजिए ह्यूमन बेबी। तो मदर के यूटरस के अंदर जो बेबी डेवलप हो रहा है उसी तरीके से कुछ यहाँ पे अपीयरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा होगा कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पे भी एक प्यारा सा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। तो ये बात भी आप जानते हैं कि ये जो टारपीडो स्ट्रक्चर है ये फाइनली इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो हॉस्टोरियम है और ये जो सस्पेंसर है ये क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और ये एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से अपियर होगा। और यहां पे आपको पता है कि हाइपोफाइजियल सेल के थ्रू
रूट कैप प्रेजेंट है। ये जो है हाइपोफाइजियल सेल का रेमिनेंट है या हाइपोफाइजियल सेल का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है जो आगे चल के क्या बनाएगा, रूट कैप बनाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अब यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हो गया लेवल ऑफ कॉटिलेडन और ये नीचे वाला पार्ट जो हो गया हाइपोकोटाइल, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का एबव पार्ट जो कि लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर है वो हो गया एपिकोटाइल, और टिप ऑफ एपिकोटाइल को हम लोग बोलेंगे प्लीम्यूल और टिप ऑफ हाइपोकोटाइल को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, और रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम, प्लीम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम, प्लीम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम। और ये बात आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ओवरी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ओवरी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में। और इसके चारों तरफ ओवरी है और वो ओवरी सपोज कि ये कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, ये ओवरी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, फ्रूट में। तो ये हो गया फ्रूट, फ्रूट के अंदर ये है सीड, और सीड के अंदर ये है डेवलपिंग एम्ब्रियो। फ्रूट हो गया, सीड हो गया, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। तो ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ सीड इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, और एक मैच्योर एम्ब्रियो इसमें प्रेजेंट होगा। जो जर्मिनेशन ऑफ द सीड के टाइम पे, जब सीड जर्मिनेट करेगा, जब सीड का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो आपको पता है कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप देखें तो ये है माइक्रोपाइल, ये जो पोर है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, और इस पर्टिकुलर जंक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। तो अगर आप लोग पी का पॉड देखे हो, जिसको हम लोग मटर कहते हैं, ग्रीन वाली मटर मिलती है ठेले पे जो मार्केट से लेकर के आते हैं, तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ इस तरीके से। जब इसको हम ओपन करते हैं, छीलते हैं, तो यहाँ पे मटर के कुछ हरे हरे दाने इस तरीके से लगे रहते हैं। तो ये जो पॉड है ये एक्चुअली फ्रूट है, और जब हम फ्रूट को हटाएंगे, फ्रूट के छिलके को हटाएंगे, पेरिकार्प को, तो यहाँ पे हमको सीड्स दिखाई देंगे। फ्लावर के स्टेज में अगर हम बात करें तो ये रही होगी ओवरी और ये रहा होगा ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवरी कन्वर्ट हो गई किसमें, फ्रूट में, और ये ओव्यूल कन्वर्ट हो गया किसमें, सीड में। तो जब हम इस बटर के दाने को निकाल लेते हैं बाहर, इसको निकाल लिए बाहर, या फिर आप अगर चना देखे हो तो वहां पे एक स्कार मार्क दिखाई देता है, एक पॉइंट दिखाई देता है, तो वो एक्चुअली जब यहां से आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए ओवरी है, तो ओवरी पे यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू ये हाइलम अटैच कर रहा है इस पूरे पार्ट को, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। तो जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जब फ्रूट पे कन्वर्ट हो जाएगा और वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प पे कन्वर्ट हो जाएगी, जब हम पेरिकार्प को हटाएंगे तो इसके अंदर ये ओव्यूल जो सीड में ट्रांसफॉर्म हुआ है वो दिखाई देगा। और सीड को हम अगर देख रहे हैं, चूंकि ये जो ओव्यूल है ये इस वॉल ऑफ ओवरी से प्लेसेंटा की हेल्प से जुड़ा था, और जब हम इसको यहाँ से डिटैच कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको दिखाई देता है सीड में, सीड में एक पॉइंट दिखाई देगा। उस पॉइंट को हम लोग हाइलम बोलते हैं, जो कि यहाँ का हाइलम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। और जस्ट हाइलम के बगल में एक छोटा सा पोर होता है, उसको अभी भी हम लोग माइक्रोपाइल ही बोलते हैं, जिसके थ्रू एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड वाटर और ऑक्सीजन एंटर करते हैं इन साइड द सीड, ताकि उसमें इम्बाइबेशन हो सके, स्वेलिंग हो सके, और सीड कोट रैप्चर हो सके। और जैसे ही सीड कोट रैप्चर होगी, आपको पता है कि ये जो रेडिकल है ये रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा सबसे पहले, फिर ये जो प्रीम्यूल है ये पूरा का पूरा सूट सिस्टम बनाने लगेगा एवं ग्राउंड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, ये प्रीम्यूल जो है ये पूरा सूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल जो है वो पूरा रूट सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेगी, और एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो के थ्रू। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट में, कुछ ह्यूमन के जैसा, क्योंकि एम्ब्रियो का काम क्या होता है, नई जनरेशन। जायगोट का काम क्या होता है, नई जनरेशन, जायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल या नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जायगोट था, जायगोट ने फाइनली क्या बनाया, एक मेच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर हमने देखा एम्ब्रियो ये फाइनली कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इसको अगर हम सीड बोल रहे हैं तो सीड
ये डेवलप हुआ है किससे, ओव्यूल से। ओव्यूल का इंटेगमेंट सीड की कोट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट हो जा रहा है सीड में। इस तरीके से ओवरी कन्वर्ट हो गई है फ्रूट में और वॉल ऑफ ओवरी कन्वर्ट हो गई है पेरिकार्प में। तो जब फ्रूट को खा करके हम उसके न्यूट्रिशनल पार्ट को यूटिलाइज करके सीड को फेंक देंगे, तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड जो माइक्रोपाइल है किसका, ओव्यूल का, सीड में भी वो प्रेजेंट रहेगा। उसके थ्रू ऑक्सीजन और एयर एंटर करेगी इनसाइड द सीड और फिर उसके बाद इम्बाइबेशन होगा, सीड को रैप्चर होगी। फिर ये जो रेडिकल है इससे रूट सिस्टम बनेगा, प्रीम्यूल जो है इससे पूरा का पूरा शूट सिस्टम बन जाएगा और ये जो हाइपोफाइजियल था, हाइपोफाइसिस था, इससे क्या बन जाएगा, रूट कैप। इस तरीके से पूरा का पूरा एक क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्या होता है, कह सकते हैं जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। तो ये एम है, क्या कह सकते हैं, फिर ये पूरे की पूरी प्रोसेस है किसके, एम्ब्रियोलॉजी की, या फिर कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। हमने थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे इसलिए बताया इसमें ताकि आप इस चीज़ को फील कर सकें कि ये सारी प्रोसेसेस हो कहाँ पे रही हैं। तो फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी प्रोसेसेस यहाँ रही होंगी, यहाँ पे जाइगोट बना होगा इस तरीके से, जाइगोट इस पूरे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर दिया होगा, ये टॉर्पिडो से स्ट्रक्चर बना होगा, फाइनली ये वाला स्ट्रक्चर बना होगा, फिर इससे रेडिकल, फिर इससे प्रिम्यूल और सीड के जर्मिनेशन से एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। ये हमको पूरा का पूरा जो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये रिलेट करके हमको समझना है, आधा पढ़ करके छोड़ नहीं देना है। केवल हम एक जाइगोट से आपको एम्ब्रियो तक लेके गए, वहाँ पे छोड़ दिए, तो आप ये चीज़ नहीं लिंक कर पाओगे कि जो एम्ब्रियो है इसका फाइनल फेट क्या है, एम्ब्रियो कैसे जर्मिनेट होगा, कैसे फाइनली एक नया प्लांट बनाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेगमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाहर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे पास एक बेहतरीन सा क्या होगा, फ्रूट होगा, उसको हम खा करके जो एडिबल पार्ट है उसको फेंक देंगे, सीड जब जर्मिनेट होगा तो माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और एयर एंटर करेगी, ऑन इम्बाइबेशन सीड कोट रैप्चर हो जाएगी और एम्ब्रियो का रेडिकल जो है वो रूट बनाने लगेगा, एम्ब्रियो का जो प्लिम्यूल है वो शूट बना लेगा और जो हाइपोफाइसिस थी या हाइपोफाइजल थी वो रूट कैप बना लेगी। इस तरीके से फिर फाइनली प्लांट का क्या होने लगेगा, डेवलप, एक कंप्लीट एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट हमारे सामने दिखेगा। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है या स्टोरी है एक नए प्लांट के प्रोडक्शन का, यानी कि रिप्रोडक्शन का। आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग आगे के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ेंगे, इतना आप एक बार बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें।